तो इससे पहले वाली क्लास में यहां तक हो गया था, अब करते हैं इसके आगे। अगला क्वेश्चन है, देखो, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? ठीक है, अब यहां पे देखो, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है, इसे मीठा सोडा अथवा खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या होता है? NaHCO3 है, एवं इसका IUPAC, ठीक है, नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर मुख्यतः सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को पेट में आमाशय की अम्लता को दूर करने के लिए औषधियों में एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे है ए ऑप्शन, देखो, हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में बी ऑप्शन है, हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये नहीं होगा भाई। सी ऑप्शन है, हाँ, बेकिंग सोडा कार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो यह भी नहीं होगा भाई। उसके बाद में है डी ऑप्शन, नहीं, वे रासायनिक रूप से समान होते हैं, तो यह भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? अब ए ऑप्शन है यहां पे तांबा, ठीक है, तो यह नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन है सोडियम, सोडियम सही होगा। सी ऑप्शन है लोहा, लोहा भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है जस्ता, जस्ता भी नहीं होगा। अब यहां पे देखो, कॉपर, आयरन और जिंक धातुएं मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, ये अपने अयस्कों के रूप में क्रमशः कॉपर पाइराइट और हेमाटाइट और जिंक सल्फाइड आदि के रूप में पाई जाती है, जिसका निष्कर्षण कार्बन अपचयन, ठीक है, रिडक्शन विधि द्वारा किया जाता है। सोडियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इस वायु में खुला छोड़ देने से, ठीक है, इसे वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है, इसीलिए बहुत सक्रिय होने के कारण केरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन होगा, सोडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण कौन सा है? अब ए ऑप्शन है यहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये सही होगा। बी ऑप्शन है यहां पे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी नहीं होगा। अब यहां पे देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मध्य अभिक्रिया को अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त किया जाता है। इस यंत्र में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी बोतल को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में से भरे पात्र के अंदर रखा जाता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के संपर्क में आ जाता है, तब उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस बाहर निकलकर आग को बुझा देती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का सही सूत्र क्या है? धावन सोडा का सही सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा जो है, इसका सही सूत्र क्या होता है? तो NA2, एक सेकेंड, NA2,
CO3 और यहाँ पे जगह 10H2O, ठीक है। तो धावन सोडा का सही सूत्र क्या होता है? तो यह होता है भाई, कौन से ऑप्शन में है? हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? तो धावन सोडा का सूत्र ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है भाई? सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, और यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर किसके साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो किसके साथ भाई? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। इस तो ये हमारा ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अब ए ऑप्शन है यहां पे साधारण नमक, तो ये भी नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है यहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में डी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? अब ए ऑप्शन है यहां पे तांबा, बी ऑप्शन है यहां पे सोडियम, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है यहां पे जस्ता। अब देखो, यहां पे डी ऑप्शन नहीं होगा, जस्ता, लोहा भी नहीं होगा और तांबा भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा होगा सोडियम, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? सोडियम को भाई, है ना। बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा, ठीक है। कॉपर, आयरन और जिंक धातुएं मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का नाम क्या होता है भाई, बताओ भाई। अब ए ऑप्शन है यहां पे सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट और डी ऑप्शन है सोडियम पराक्साइड। तो बताओ भाई, हमारा कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा? तो कास्टिक सोडा के लिए पूछा है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक जो नाम होता है वो तो क्या होता है भाई? सोडियम हाइड्रॉक्साइड, हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो यहां पे बताओ क्या होगा भाई। तो इसका नाम होता है धावन सोडा। क्या होता है? धावन सोडा होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा भाई? बी ऑप्शन हो जाएगा, धावन सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? धावन सोडा होता है। अगला क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा
काटा जा सकता है। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो बताओ भाई, अब ए ऑप्शन है यहां पे सोडियम, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है सोना और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो बताओ भाई हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखो चाकू से काटा जा सकता है तो एल्यूमिनियम को नहीं काटा जा सकता, ठीक है। उसके बाद में है सोना, सोना को भी नहीं काटा जा सकता भाई, है ना। उसके बाद में है बी ऑप्शन यहां पे तांबा कॉपर, ठीक है, तो इसको भी नहीं काटा जा सकता है। सोडियम, सोडियम को काटा जा सकता है भाई, ए ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। तो सोडियम जो है ना एक क्षार धातु होती है, ठीक है, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब सोडियम जो है अगर पूछे आपको इसका प्रतीक क्या होता है ना, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सोडियम का प्रतीक क्या होता है, बताओ। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Na होता है, ठीक है। और सोडियम जो होती है ना एक चमकदार धातु होती है और वायु में ऑक्सीकरण के कारण इस पर शीघ्र ही परत भी जम जाती है। यह एक नरम धातु है और विद्युत का उत्तम चालक भी होता है। तो यह यहां पे हमारा ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल तेल में संग्रहित तो होती है, कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित तो होती है। अब ए ऑप्शन है यहां पे प्लेटिनम, बी ऑप्शन है यहां पे तांबा, सी ऑप्शन है सोडियम और डी ऑप्शन यहां पे सोना। तो यहां पे सही आंसर होगा हमारा सोडियम। क्या होगा भाई? सोडियम होगा, सोडियम सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सोडियम जो है यह बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होती है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, ठीक है। तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, जलाने पर निम्न में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है, जलाने पर धातु कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है। तो यहां पे ए ऑप्शन है सोडियम, तो सोडियम भाई इसका सही होगा, सोडियम सही होगा ए ऑप्शन। अब बी ऑप्शन यहां पे पोटेशियम नहीं होगा, डी ऑप्शन है बेरियम, बेरियम भी नहीं होगा और सी ऑप्शन है कैल्शियम, कैल्शियम भी इसका नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा सोडियम। सोडियम जो होता है एक रासायनिक तत्व होता है और यह आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व होता है। इस समूह में धातु गुण मौजूद है और सोडियम धातु के परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम आयन में सरलता से अपचयित हो जाते हैं। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन होगा भाई, सोडियम। अगला क्वेश्चन देखो, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब इसमें आपको बताना है भाई फॉर्मूला, अब फॉर्मूला आपको बताना है। ए ऑप्शन यहां पे Na3CO2, ठीक है, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है यहां पे Na2CO, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है Na CO3, तो ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन यहां पे Na2CO3, सॉरी ये हो जाएगा भाई ना, डी ऑप्शन सही होगा इसमें। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा। अब यहां पे देखो, सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और यह एक सामान्य अकार्बनिक लवण भी है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक सूत्र क्या होता है? Na2CO3, ठीक है, और 10H2O होता है तथा इसका पूरा नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। इसलिए हमारा यहां पे कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय, ठीक है, घोल के बीच से बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित होती है, किस रूप में विघटित होती है? तो वो होती है भाई
एन ए ओ एच प्लस एच टू और प्लस हो जाएगा यहाँ पे एल सी एल टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो भाई जब एन ए सी एल के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एन ए ओ एच, इसका नाम क्या होता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। और साथ में कैथोड पर हाइड्रोजन तथा एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, देखो जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो कौन सा बनेगा, तो बनेगा एक मिनट भाई, जैसे एन ए सी एल प्लस एच टू ओ, ठीक है, फिर क्या कर रहा है, ये बिजली पारित होती है, तो यहां पे बिजली पारित का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहां पे आई कर देते हैं भाई, करंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा एन ए ओ एच प्लस क्या होगा, एच सी एल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी ऑप्शन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, और इसे क्लोर एल्कली प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है, तो उत्पन्न गैस कौन सी होती है, वो होती है CO2, कौन सी होती है, CO2, CO2 का मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है भाई, तो वो कौन सी छूटती है, ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा भाई, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, बिल्कुल सही है, उसके बाद में ऑक्सीजन में नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, नेट्रियम निम्न में से किसका लेटिन नाम है, नेट्रियम, तो यहां पे हो जाएगा भाई ए ऑप्शन है लिथियम, बी ऑप्शन है सोडियम, तो लिथियम नहीं होगा, सोडियम सही हो जाएगा, उसके बाद में सी ऑप्शन है रूबिडियम, तो ये भी नहीं होगा भाई, पोटेशियम भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा सोडियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता, प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, ठीक है, तो ए ऑप्शन तो है यहां पे सोना, बी ऑप्शन है यहां पे प्लेटिनम, सी ऑप्शन है चांदी
और डी ऑप्शन यहाँ पे सोडियम, सोडियम सही हो जाएगा भैया ना, सोना नहीं होगा, चांदी नहीं होगा और प्लेटिनम भी नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा इसका, सोडियम होगा। क्लियर है, अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु कोष्ठ किसके भीतर रखा जाता है, किसके भीतर रखा जाता है, तो वो रखते हैं भाई केरोसिन, एक सेकेंड, इसके भीतर रखते हैं केरोसिन, केरोसिन हमारे सी ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किसमें किया जा सकता है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किसमें किया जा सकता है, अब ए ऑप्शन है यहां पे पेयजल के कीटाणुओं शोधन के लिए, ठीक है तो गलत है भैया, बी है पकाने के लिए तो यह भी नहीं होगा, सी ऑप्शन है कठोर जल को नरम करने के लिए, बिल्कुल सही है, और डी ऑप्शन है यहां पे एक गैर जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल परक उत्पाद के तौर पर, तो यह भी नहीं होगा, यहां पे करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, कठोर जल को नरम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, क्लियर है, तो यहां पे वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो है इसका दूसरा नाम क्या है भाई, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है, किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है, तो यहां पे ए ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा भैया, सोडियम कार्बोनेट। बी ऑप्शन है यहां पे पोटेशियम पर मैग्नेट, नहीं होगा भाई, क्लोरीन भी नहीं होगा और एलम भी नहीं होगा, यहां पे सोडियम कार्बोनेट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो है ना एक अकार्बनिक यौगिक होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र मैंने आपको बता रखा है, Na2CO3 होता है। ठीक है, और इसे धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहा जाता है, जिसका जलीय घोल क्या होता है, क्षारीय होता है, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका यहां पे उपयोग करेंगे, भाई ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जल में किसको मिलाकर जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब बताओ भाई इसमें कौन सा सही होगा, तो यहां पे हो जाएगा वॉशिंग सोडा, क्या होगा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बी ऑप्शन में है भाई, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है, टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है, अब ए ऑप्शन है यहां पे फ्लोराइड, ठीक है, तो फ्लोराइड इसका सही आंसर नहीं होगा भाई, बी ऑप्शन है यहां पे सोडियम कार्बोनेट, ये बिल्कुल सही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट तो ये भी नहीं होगा, और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, सोडियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट इसका सही आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, उसका नाम क्या होता है भाई, सोडियम, सोडियम हाइड्रा या हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सी ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है।
अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा जो है बताओ क्या होता है? वो होता है सोडियम, क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। ये किसका, ये होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है।